हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे सत्तू की कचौड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा। मैदा की जगह पर आप आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम आटे के जैसा गूंध लेंगे। तो देखिए, इसे हमने गूंध लिया है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें हम डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक डाल देंगे और 15 से 16 लहसुन की कलियां डाल देंगे। अब इसे पीस लेंगे। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम एक कप सत्तू डाल देंगे, 3 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ बड़ा प्याज डाल देंगे और 3 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। आटा को एक बार मसल लेंगे। अब हाथ में सूखा मैदा लगाएंगे। अब छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे। इसी तरह हम सभी लोई को तैयार कर लेंगे। अब इसमें से हम एक लोई लेंगे और इस तरह से फिर से इसे इस तरह से गोल कर लेंगे। अब इसे हम सूखे मैदे में लपेटेंगे। अब इसे इस तरह से कटोरी के जैसा बना लेंगे। अब इसमें सत्तू का मिश्रण डाल देंगे। और इस तरह से इसे अब बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे फिर से मैदा में लपेटेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सभी को बेलकर तैयार कर लेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हम मीडियम गर्म होने देंगे। तो अब तेल मीडियम गर्म हो चुका है, तो कचौड़ी को अब तेल में डाल देंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक इसे हम सेक लेंगे। तो अब ये दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह सभी कचौड़ियां छान लेंगे। तो देखिए, हमने सभी कचौड़ियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब सत्तू की कचौड़ी बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से सत्तू की कचौड़ी बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।